फ्रेंड्स, आपने कभी इंटरस्टेलर मूवी देखी है? अगर नहीं तो इस मूवी को आप जरूर देखें। एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इस मूवी का थीम बेस्ड है स्पेस ट्रेवल से। इस मूवी में दिखाया गया था कि ह्यूमंस अब इस प्लैनेट में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें अब ऐसे प्लैनेट की तलाश है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो और ह्यूमंस की प्रजाति को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए उनके पास दो प्लान्स थे। सबसे पहला प्लान ये था कि सारे के सारे ह्यूमंस को उसी प्लैनेट पे ले जाए जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, पर इतने सारे लोगों को वहाँ पे ले जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी स्पेसशिप तो है नहीं कि इतनी 7 बिलियन लोगों को वहाँ तक ले जाया जाए। और उनके पास दूसरा प्लान ये था कि 5000 DNA सैंपल्स ले जाए उस प्लैनेट पे जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, ताकि वो 5000 DNA सैंपल्स दोबारा फिट करके ह्यूमंस को पैदा करे और ह्यूमंस अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाए। और अगर इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं किसी और वीडियो में इंटरस्टेलर को एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आप मूवी ही देख सकते हैं खुद। एनीवे, अब मैंने इसका एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कोई थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे जो ये कहती है कि जिस एस्टेरॉयड ने डायनासोर्स को मारा, चाहो अगर वो कोई UFO हो और हम उस UFO के चलाने वाले एलियंस की ही कोई प्रजाति हो। सो हेलो गाइस, यू वाचिंग Freakyshadow एंड इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट अ थ्योरी व्हिच इज व्हाट इफ द एस्टेरॉयड दैट किल्ड द डायनासोर्स वाज अ UFO एंड वी आर द एलियंस। सो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपने कर दिया है तो थैंक यू सो मच। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आप टॉपिक में से ही समझ सकते हैं कि इसमें दो क्वेश्चंस हैं, तो उन दोनों सवालों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक कंक्लूजन भी निकालेंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ था या फिर ये बस एक थ्योरी ही है। सो अगर हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जाएं तो हमें ये पता चलेगा कि हम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इतने ज़्यादा कि हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक आराम से जा सकते थे और हम स्पेसशिप को इतनी ज़्यादा बड़ी बना सकते थे कि वो एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को ही तबाह कर सकता था। सो इट माइट बी पॉसिबल कि हम मार्स से आए हो या फिर कोई और प्लैनेटरी सिस्टम से। मैं मार्स से इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर आपने हमारी बोरिस्का वाली वीडियो देखी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्शियंस कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और अगर नहीं देखी है देन प्लीज़ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से जाकर के ज़रूर देखें और ये जानें कि मार्शियंस कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे अपने टाइम में। और यही काफ़ी है ये प्रूव करने के लिए कि हमारी इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा हाई होगी उस वक्त। पर आप खुद देख सकते हैं कि हम अभी तक कितने प्लैनेट्स में ह्यूमंस को भेज चुके हैं, अगर हमारी इंटेलिजेंस उतनी ज़्यादा हाई थी फिर भी हम मानते हैं कि हम किसी और प्लैनेट से आए हैं और हमारे पास अपार नॉलेज और भरपूर रिसोर्सेज थी, और जब हमारी सिप अर्थ को हिट की तब हमने अपनी बाकी की सारी टेक्नोलॉजी और साथ साथ अपनी बाकी की सारी इंटेलिजेंस भी खो दी। पर क्या ये काफ़ी एक्सप्लेन करने के लिए जो हम अभी से जानते आ रहे हैं कि हम पहले 4 पैरों में चलते थे, और या फिर ये कहें कि पहले हम 4 पैरों में खड़े थे और अब हम 2 पैरों में अचानक से आ गए, पर फिर भी कंसिडर करते हैं कि इवोल्यूशन की थ्योरी ही रोंग है और हम पहले से ही एडवांस थे और हम 2 पैरों में ही चलते थे पहले से ही, और अर्थ की इतनी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी सर्वाइव कर गए। आयरनी ये है कि उतनी बड़े बड़े डायनासोर्स मारे गए और हम बच गए, और हमने अपनी नॉलेज को इतनी ज़्यादा एडवांस की कि अब इतनी बड़ी ह्यूमन सिविलाइजेशन को डेवलप की। और अब आते हैं एक और सिचुएशन में कि हमारी स्पेसशिप के अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटीज थी कि वो एक एस्टेरॉयड अटैक को भी झेल सकता था, या फिर इतनी ज़्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी जो अर्थ की थी उस वक्त, जिसमें इतने बड़े बड़े एनिमल्स मारे गए लेकिन हमारी स्पेस शिप सर्वाइव कर गई। पर अर्थ में उतने बड़े बड़े डायनासोर्स को जिस शिप ने मारा वो या तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा या फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा होगा और काफ़ी हाई स्पीड में अर्थ को हिट किया होगा। अगर शिप काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी तो इसके अवशेष कहाँ हैं? डायनासोर्स के अवशेष तो मिल गए, पर इस शिप के अवशेष अभी तक क्यों नहीं मिले? एंड इफ सपोज अगर मिल जाती तो उस शिप की स्टडी करके हम अपनी शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज को कितना ज़्यादा बढ़ा सकते थे, एक्चुअली बूम कर सकते थे अचानक से, और हो सकता है कि हम अभी से ही प्लैनेटरी ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते। अब आते हैं इस UFO या एस्टेरॉयड की साइंस में। एक्चुअली कैलकुलेशंस बताती है कि जिस एस्टेरॉयड ने डायनासोर्स को मारा वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा बड़ा था, और उसकी स्पीड 20 गुना ज़्यादा थी एक बुलेट की स्पीड से जब वो अर्थ के एटमोसफेयर को हिट किया। इतनी हाई स्पीड से जब वो अर्थ की एटमोसफेयर को हिट
जनरेट किया, उससे जनरेटेड जो एनर्जी थी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को ही जलाना शुरू कर दी और एयर को इतनी ज़्यादा कंप्रेस कर दी कि अर्थ की टेम्परेचर इतनी ज़्यादा हाई हो गई कि वो सन की सरफेस के टेम्परेचर से भी ज़्यादा हो गई। और कोई भी लिविंग बींग इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर को कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही था, चाहे वो ओशियंस के एनिमल्स हो या फिर सीज के या फिर सरफेस के एनिमल्स, उतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर को वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए और सबके सब मारे गए। और जिस एज में वो मारे गए उस एज को हम कहते हैं द एज ऑफ मास एक्सटिंक्शन। और जियोलॉजिस्ट की माने तो इसने अर्थ की मेंटल को ऐसे हिट किया कि 110 मील में क्रेटर्स फट गए और वहीं से सॉइल और रॉक्स इतनी ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकली कि उस इंपैक्ट की वजह से वोल्केनिक एरप्शंस और काफ़ी गर्म और जलती हुई मेटेरॉइड्स की बारिश होने लगी और बस 4 घंटों में ही दुनिया की सारी लाइफ ख़त्म हो गई। अब इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस को कोई शिप या कुछ भी सर्वाइव कैसे कर पाता, और सपोज उतनी एक्सट्रीम कंडीशंस को भी हमारा शिप सर्वाइव कर गया, इसका साफ इंडिकेशन ये है कि हमारी इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा हाई थी। एंड सपोज अगर एलियंस डीएनए सैंपल्स लेकर आए थे जिसकी वजह से हम आज इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस डीएनए में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी तो ज़रूर होती कि जब हम प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स में बदलते तो हम सीधा 2 पैरों में खड़े होते, ना कि 4, और हजारों लाखों सालों तक 2 स्टोन्स का यूज़ करके आग की एक चिंगारी जलाने में नहीं करते। और अगर हमारे डीएनए में एक इंटेलिजेंट बींग की कैरेक्टर थे जो कि स्पेस ट्रेवल और इंटरप्लैनेटरी ट्रेवल करने में योग्य थे, तो उनकी सारी की सारी कैरेक्टर्स हमारे अंदर तो जरूर आती और हम काफ़ी पहले से ही स्पेस ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अभी तक हमने स्पेस ट्रेवल करना स्टार्ट ही नहीं किया है। सो इंडीड इन सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखिए तो इतनी ज़्यादा भी गंदी कंडीशंस नहीं आ जाती हमारी कि हमारी इंटेलिजेंस एकदम से गायब हो जाती। सो अब लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि वो एक एस्टेरॉयड ही था, ना कि कोई UFO, और हमने अपनी डेवलपमेंट की पाथ ही डेवलप की है एक छोटे छोटे सेल्स से बने लिविंग बींग से या फिर लोअर मैमल्स से, और हजारों लाखों सालों के बाद अनेकों जेनेटिक ड्रिफ्ट्स के बाद आज हम जो हैं वो इवोल्यूशन की वजह से हैं। और इस इवोल्यूशन की थ्योरी के बहुत सारे प्रूफ्स हैं, ना कि उस थ्योरी की जिसे आज हमने इस वीडियो में डेवलप किया। पर अगर क्या हो कि इवोल्यूशन की थ्योरी ही गलत हो तो हमारे पास अब कौन सा रीजन रहेगा या फिर कौन सी थ्योरी रहेगी ये एक्सप्लेन करने के लिए कि हम इस प्लैनेट पे अपना लाइफ कैसे स्टार्ट किए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमने पहले भी रिक्वेस्ट की है और अब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।